लेयरजेट 24 की कॉकपिट है। इसके अंदर जो ये अभी जो दिख रहा है वो इंस्ट्रूमेंट पैनल है पूरी। इसको हम बेसिक पायलट के इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं, जिसमें बेसिक 6 और बेसिक टी कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिसके अंदर हमें नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स जो चीज़ों की होती है बेसिक एयरक्राफ्ट को फ्लाई करने के लिए, वो है एयर स्पीड, एटीट्यूड इंडिकेटर, अल्टीमीटर, टर्न कोऑर्डिनेटर, हेडिंग इंडिकेटर और वर्टिकल स्पीड इंडिकेटर का ज़रूरत होता है। तो सबसे पहले वहाँ पर जो दिख रहा है वो है, नहीं वो नहीं, नीचे अच्छा नीचे, ये जो है ये एयर स्पीड इंडिकेटर है, वहाँ पर नॉट्स में दिया हुआ है, ठीक है। और वहाँ पर साइड में मैक भी लिखा हुआ है, मैक, ठीक है। मैक का मतलब होता है एयरक्राफ्ट की स्पीड डिवाइडेड बाय साउंड का स्पीड, पता ही है, विद कंपेयर टू साउंड, ठीक है, कंपेयर साउंड में एयरक्राफ्ट की स्पीड कितनी है। तो कुछ कुछ एयरक्राफ्ट है ना मैक से स्पीड सेट करते हैं अपनी, या तो फिर वो एटीसी वाला बोलेगा ना आपकी स्पीड कितनी है, तो वो मैक में जवाब देता है कि मैं इतने मैक पे उड़ रहा हूँ, तो यहाँ से सेट होती है, ठीक है। तो एयर स्पीड का हो गया, उसके बाजू में जो है उसको एटीट्यूड इंडिकेटर बोलते हैं या फिर आर्टिफिशियल हॉरिजॉन कहा जाता है, ठीक है। ये जायरोस्कोपिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये तुम्हारे अर्थ के हॉरिजॉन के कंपेयर में तुम्हारे एयरक्राफ्ट का क्या एटीट्यूड है, किस पोजीशन में उड़ रहे हो, तुम क्लाइम कर रहे हो, डिसेंड कर रहे हो, टर्न कर रहे हो, वो बताएगा, ठीक है, उसकी टेंडेंसी बताएगा ग्राउंड और स्काई के रिलेशन में, ठीक है। उसके बाजू में जो है वो अल्टीमीटर है, अल्टीमीटर क्या करता है कि तुम्हारा सी लेवल के कंपेयर में तुम कितनी हाइट पे उड़ रहे हो, सी लेवल नॉट ग्राउंड, ठीक है। तो उसके लिए वहाँ पे नीचे 296 वर्सेस दिया हुआ है, वहाँ कैलिब्रेशन नॉब दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि हमारा जो एयरपोर्ट है वो सी लेवल से कितनी हाइट पे है उतना पहले से कैलिब्रेट कर देते हैं, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। उसके नीचे जो दिख रहा है बीच में, बीच में हाँ, वो हेडिंग इंडिकेटर है। हेडिंग इंडिकेटर मतलब नॉर्थ, नॉर्थ जो तुम्हारा नॉर्थ डायरेक्शन है उससे कितने डिग्रीज तुम कहाँ हो, कंपास वो बताएगा, हम कंपास टाइप का ये, लेकिन ये जायरो पे काम करता है, ये जायरोस्कोपिक है, ठीक है, इसको डायरेक्शनल जायरो बोला जाता है, ठीक है। अब उसके बीच में देखेगा तो वहाँ नैव लिखा हुआ है उसी हेडिंग इंडिकेटर में, और वहाँ पर एक सीधी लाइन बनी हुई है जो डायरेक्शन इंडिकेट कर रही है, जो बीच की जो वर्टिकल लाइन है ना वो हमारा लोकलाइजर पोजिशन है, ओके। तो हमारा इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम जो होता है ना उसके अंदर ग्लाइड स्लोप और एक लोकलाइजर करके चीज होती है। तो जब भी तुम्हारा पायलट लैंडिंग जोन में है तो उसको वहाँ से एटीसी से बोलेगा अनटिल एस्टैब्लिश्ड ऑन लोकलाइजर एंड मेंटेन 2000 या कितनी भी फीट होगी, फिर वो बोलेगा व्हेन एस्टैब्लिश्ड कॉन्टैक्ट मी। तो ये क्या करेगा ना, अब तेरा जो ये बीच की नीडल का जो पोजीशन होगा, ठीक है, वो ये जो है ये वाली जो है इसकी जो पोजीशन होगी उस हिसाब से पायलट कैलकुलेशन करेगा कि भाई कितने हेडिंग मुझे मुड़ना है रनवे के लिए। तो फिर उसके बाद वो मैन्युअली फ्लाई करता करता अंदर आएगा, जब ये बीच में आ जाएगी ना उसको पता चल जाएगा कि भाई आई एम एस्टैब्लिश्ड ऑन द लोकलाइजर, तो वो बोल देगा वहाँ पे कि आई एम एस्टैब्लिश्ड ऑन द लोकलाइजर, तो वो बोलेगा ठीक है पैटर्न एंट्री के अकॉर्डिंग आप लैंड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाजू में जो ये एक्चुअली बेसिक टी कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, टी बना हुआ दिख भी रहा है अपने को। बेसिक सिक्स में ये तो होता ही है, इसके साथ ये वर्टिकल स्पीड इंडिकेटर तुम कितना क्लाइम कर रहे हो, कितना डिसेंड कर रहे हो, कितने रेट से कर रहे हो, वो बताएगा फीट पर मिनट में। ये जो ADF लगा हुआ है यहाँ पे ऑटोमेटिक डायरेक्शनल फाइंडर बोलता है, ये रनवे की डायरेक्शन फाइंड करने में यूज होता है। इस ये VOR पे चलता है, वेरिएबल हाई फ्रीक्वेंसी, सॉरी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ओमनी रेंज पे काम करता है, ठीक है, ओके। उसके नीचे जो टर्न कोऑर्डिनेटर है, अगर बेसिक सिक्स होगा तो ADF की जगह पे टर्न कोऑर्डिनेटर लगा हुआ, ओके, ठीक है। टर्न कोऑर्डिनेटर का और एक नाम भी होता है टर्न एंड स्लिप इंडिकेटर। टर्न एंड स्लिप इंडिकेटर क्या, उसमें जो एयरक्राफ्ट बना हुआ है वो तुम कितने रेट से बैंक कर रहे हो वो दिखाएगा। उसके बीच में जो एक स्पिरिट केज लगा हुआ है, स्पिरिट लेवल लगा हुआ है, स्पिरिट लेवल टाइप का, उसके जो बॉल है उसके बीच में अंदर वो कितना बाहर अंदर बाहर होगा उस हिसाब से स्लिप पता चलेगा। तो एरोडायनामिक्स में पड़ा रहेगा, हम रोल करते हैं तो एडवर्स यॉ की टेंडेंसी रहती है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए पायलट रडर भी ऑपरेट कर रहे हैं, तो कितना रेट तक करना है वो उससे पता चल जाएगा और एक कोऑर्डिनेटेड टर्न मिल जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। ये बेसिक सिक्स था, ठीक है। अब ये जो पैनल दिख रही है ना ये इलेक्ट्रिकल पैनल है, उसमें तुम्हारा कितना डीसी का वोल्टेज आ रहा है, बैटरी का कितना वोल्ट, कितना करंट ड्रॉ आ रहा है वो दिखेगा, फिर ऑयल टेम्परेचर कितना है दोनों इंजिन में वो तुमको पता चलेगा वहां से, ठीक है। ये जो पूरी पैनल है ये इंजन इंस्ट्रूमेंट की पैनल है, उसमें सबसे पहला दिख रहा है प्रेशर रेशियो। तो इंजन प्रेशर रेशियो जो होता है उसी से हम अपना थ्रस्ट सेट करते हैं, अपना जो फ्यूल कंट्रोल यूनिट होता है वो इंजन प्रेशर रेशियो के अकॉर्डिंग फ्यूल को मीटर करके कंबशन चेंबर के अंदर भेजता है, तो उसको इंडिकेट करना जरूरी है, तो इसलिए वो लगा हुआ। उसके नीचे एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर है, एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर मतलब तुम्हारा जो एग्जॉस्ट गैसेस निकल रही है उनका टेम्परेचर कितना है। हाँ, वो प्रोब्स लगे हुए, ठीक है, हाँ प्रोब्स लगे हुए हैं, तो वो थर्मोकपल के प्रोब्स होंगे, उससे सेंसिंग आएगी और यहाँ पे दिखाएगा वो डिग्री सेल्सियस इंटू 100 लिखा हुआ,
तो इंडिकेट होगा। अब उसमें जो ग्रीन आर्क है वो नॉर्मल ऑपरेटिंग रेंज है, येलो है कि कॉशन रेंज है, और जो रेड वाला है वो नेवर एक्सीड, वहां जाओगे तो इंजन ब्लो आउट होने की टेंडेंसी रह सकती है या कुछ भी डैमेज हो सकता है, तो उतना नहीं जाने देना। अगर उतना जा रहा तो हमें इमीडिएटली फ्यूल को कम करना है, थ्रॉटल को बैक खींचना है, इसलिए ईजीटी दिया हुआ है। उसके नीचे परसेंट आरपीएम लिखा हुआ है, ये N1 आरपीएम दिखाएगा। अगर ईपीआर से तुम थ्रस्ट सेट कर रहे हो, उसका मतलब फ्यूल फ्लो सेट कर रहे हो, अगर ईपीआर के प्रोब्स खराब हो गए इनकेस, तो तुम्हें N1, जो कि N1 मतलब होता है लो प्रेशर कंप्रेसर का आरपीएम, तो लो प्रेशर कंप्रेसर का आरपीएम के अकॉर्डिंग फिर फ्यूल कंट्रोल यूनिट फ्यूल को सेट करेगा, तो इसलिए उसको अल्टरनेट मोड बोलते हैं, जो N1 मोड होता है। सिलेक्ट भी कर सकते हैं कौन सा मोड पे चलाना है, ठीक है। तो ये N1 का आरपीएम, अब परसेंटेज लिखा है, आरपीएम मतलब होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट, इन रिवॉल्यूशन पर मिनट का परसेंटेज निकाल के जो यहाँ पे दिखेगा ना वो N1 का आरपीएम होगा, ठीक है, वो दोनों इंजन का दिया हुआ। उसके नीचे एक फ्यूल फ्लो मीटर है, कितना फ्यूल किस रेट से फ्लो हो रहा है हमारा कंबशन चेंबर के अंदर जा रहा है वो बताएगा वो, ठीक है। उसके बाद बाजू में दिया हुआ ऑयल प्रेशर, ऑयल प्रेशर कितना जा रहा है हमारा। अब उसमें उसके नीडल के ऊपर एल लिखा हुआ है, उसके नीचे आर की एक नीडल होगी, दो नीडल होगी, तो लेफ्ट और राइट दोनों इंजन का कितना है मिनिमम, इनके बीच में कुछ डिफरेंस होता है, अगर उतना डिफरेंस है तो ठीक है, नहीं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो मैनुअल में लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग आया तो फिर कुछ प्रॉब्लम है तुम्हारे ऑयल सिस्टम के अंदर। स्पेसिफाइड कितना रखना है ऑयल प्रेशर, वो हर इंजन का अलग अलग होता है, उसकी पंप की कैपेसिटी पर डिपेंडेंट है वो कितना ऑयल प्रेशर भेज सकता है, ठीक है। ये छोटा इंजन है, इसमें करीबन 35-40 PSI तक जाता होगा, ठीक है। उसके नीचे जो है लैंडिंग गियर के कंट्रोल पैनल है पूरी, ठीक है, वो लैंडिंग गियर की स्विच दी हुई है, ये अभी डाउन पोजीशन पे क्योंकि हमारा एयरक्राफ्ट लैंडिंग गियर डाउन है, ये जो लाइट्स दी हुई है ये डाउन एंड लॉक की है, अगर डाउन हो गया और लॉक्ड है तो ग्रीन लाइट आ जाएगी, ट्रांजिट में है तो रेड लाइट ब्लिंक करती रहेगी, और अगर ट्रांजिट नहीं हुआ और कहीं पे रुक गया बीच में तो अनसेफ की लाइट चालू हो जाएगी वहां पे, ठीक है, और हॉर्न बजने लगेगा वार्निंग की, भाई हमारा लैंडिंग गियर अटक गया बीच में, ठीक है। ये नेविगेशन कंट्रोल की है कि हम तुम्हारा जो VOR की फ्रीक्वेंसी रहेगी हर एक एयरपोर्ट की अलग है, तो अगर अहमदाबाद पे जाओगे तो उसकी अलग होगी, तो उसको सेट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो मैं कम्युनिकेशन सेल है जिसका तुम VHF कम्युनिकेशन जो एयरक्राफ्ट का रहता है, जैसे किसी एयरपोर्ट से बात करनी है तो फ्रीक्वेंसी सेट करनी रहेगी, अभी अहमदाबाद टावर की 118.10 है तो वो चालू की हुई, ठीक है। उसका सिलेक्शन स्विच दिया है कि लेफ्ट का रखना है कि राइट का रखना है, ठीक है। फिर ये जो है तुम्हारा वेदर रडार का डिस्प्ले है, ठीक है, और ये जो है ना पूरा कंट्रोल है, जो एयरक्राफ्ट में ओवरहेड पैनल बोलता है ना, हाँ। तो इसमें ओवरहेड पैनल नहीं है, छोटा है, तो ओवरहेड पैनल में यही कंट्रोल पैनल रहती है पूरी की, ये स्विचेस है। तो जैसे इंजन स्टार्ट करना है तो तुम पहले बैटरी ऑन करो, सही है, अगर एसी सिस्टम्स की कहीं जरूरत है तो यहाँ पे तो डीसी जनरेटर है एयरक्राफ्ट के अंदर, और बैटरी भी डीसी पावर है तो इन्वर्टर को ऑन कर देंगे अपन, जो डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे से फ्यूल पंप्स को ऑन करेंगे, जो जितना फ्यूल पंप है पूरे दोनों विंग टैंक के अंदर में या टिप टैंक में वो फ्यूल पंप्स चालू हो जाएंगे हमारे। यहाँ पे हमको फ्यूल क्वांटिटी पता चल रही है, मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा, जैसे लेफ्ट पे किया है तो लेफ्ट विंग में कितना फ्यूल है, लेफ्ट टिप किया तो लेफ्ट के टिप टैंक में कितना फ्यूल है वो हमको बताता जाएगा, ठीक है। तो फ्यूल पंप्स ऑन कर दिया, उसके बाद यहाँ से इग्निशन ऑन करो। अब इग्निशन की स्विच क्यों दी जाती है, क्योंकि हम कभी कभी ड्राई मोटरिंग रन करते हैं इंजन का क्लीनिंग या उस पर्पस के लिए, तो हमें इग्निशन ऑफ फ्यूल बंद करना है, इसलिए अलग से स्विच दी हुई है, ठीक है। तो ये इग्निशन स्विच है, फिर यहाँ से तुम ये स्विच को जैसे स्टार्ट पर डालोगे नीचे खींच के, तो स्टार्टर रन होना चालू हो जाएगा। तुम्हारा जो स्टार्टर है वो घुमाएगा N2 कंप्रेसर को, जिसको हाई प्रेशर कंप्रेसर बोलते हैं, ठीक है। तो उसका RPM 10-20 का थोड़ा जो भी मैनुअल में लिखा होगा, शायद इसका 20 है, मेरे को आइडिया नहीं है उतना जाएगा, उतने RPM पे जो लिखा होगा हम यहाँ से फ्यूल को ऑन कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कट ऑफ का स्विच नहीं है अलग से, बोइंग वोइंग में जाके देखोगे तो नीचे स्विच रहेगा कट ऑफ आइडल, कट ऑफ आइडल। तो इसमें जैसे ही ये थ्रॉटल को आइडल पे लाऊंगा मैं, फ्यूल फ्लो चालू हो जाएगा, और इसको ऐसे बैक करूंगा तो फ्यूल फ्लो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिस्टम है इसके अंदर, तो फ्यूल चालू हो गया। उसके बाद एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर बढ़ता जाएगा 7 तक भी जा सकता है, 8 तक जाएगा, उसके बाद वापस नीचे आते आते एक जगह स्टेबिलाइज हो जाएगा, उसको बोलते हैं कि इंजन अब स्टेबिलाइज हो गया, इतना EGT होना चाहिए, ठीक है, और ऑयल प्रेशर मिल जाएगा, तो ये तुम्हारा इंजन स्टार्टअप हो गया। उसके बाद तुम्हारा जनरेटर चालू करना है,
तो भाई जनरेटर के लिए हमें इस स्विच को मैन्युअली स्टार्ट से जनरेटर पर डालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें स्टार्टर जनरेटर लगा हुआ है, ठीक है। स्टार्टर एक टाइम पे स्टार्ट भी करेगा और जब उसको जनरेटर पे पोजीशन करेंगे उसके अंदर सप्लाई बंद हो जाएगा, उससे सप्लाई हम खींचना चालू कर देंगे, ठीक है। ये सिस्टम थी।